और एक बड़ी खबर आ रही है, पंजाब में इंडिया अलायंस में दरार बढ़ गई है। पंजाब में कांग्रेस का आप से किनारा, आप से गठबंधन के पक्ष में नहीं है पंजाब कांग्रेस के नेता। चंडीगढ़ में हुई बैठक के बाद कांग्रेस ने दिए आप से गठबंधन नहीं करने के संकेत। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन में लगातार मतभेद बढ़ रहे हैं। आज चंडीगढ़ में हुई पंजाब कांग्रेस की उच्च स्तरीय बैठक में आम आदमी पार्टी से गठबंधन नहीं करने के संकेत मिले। कांग्रेस की इस मीटिंग में पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वंडिंग, वरिष्ठ नेता सुखजिंदर रंधावा और नेता विपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने 2024 के लोकसभा चुनाव की रणनीति बनाई। इस बैठक के बाद प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी से गठबंधन का कोई सवाल ही नहीं उठता। पंजाब कांग्रेस के नेता आम आदमी पार्टी से हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं है। हमारा 110% वो स्टैंड है, वी हैव नथिंग टू डू विद यू। इसके अलावा और क्या बताएं आपको, इसका मतलब तो यही है, बाकी आप अंदर पूछ लीजिए। पंजाब कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि प्रदेश में गठबंधन की कोई जरूरत नहीं है, कांग्रेस का आम आदमी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। इस बीच प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में केंद्र सरकार से जुड़े मुद्दों को कांग्रेस उठाएगी। उन्होंने दावा किया कि पंजाब के साथ भेदभाव हो रहा है। डॉक्टर्स है नहीं, दवाई है नहीं, मशीन है नहीं, स्टाफ है नहीं। स्कूल्स ऑफ एमिनेंस है, एक तो गिर गया जी बद्दोवाल में, उसकी बिल्डिंग गिर गई, छत गिर गई, एक लेडी टीचर की डेथ हो गई। तो इट्स अ फेल्ड गवर्नमेंट। पीएम मोदी ने आज उत्तराखंड में दो दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का उद्घाटन किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने वेड इन इंडिया का नारा दिया। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में शामिल होने के लिए दुनिया भर के तमाम बड़े उद्योगपति, कारोबार जगत से जुड़ी हस्तियां, कई देशों के नेता और केंद्रीय मंत्री पहुंचे। समिट को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उद्योगपति ज्यादा से ज्यादा उत्तराखंड में निवेश करें, निवेशकों को हर तरह की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। उत्तराखंड में किया गया निवेश सुरक्षित हाथों में है और हम आप सभी को यह विश्वास दिलाते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तराखंड में निवेश करने पर आपको किसी भी प्रकार की किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। समिट को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक है। विकसित भारत के सपनों से हर देशवासी जुड़ा है। हर देशवासी को लगता है कि विकसित भारत का निर्माण उसकी अपनी जिम्मेदारी है, हर देशवासी की जिम्मेदारी है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में पीएम मोदी ने कहा कि मेक इन इंडिया जैसे वेड इन इंडिया कैंपेन चलाने होंगे। पीएम मोदी ने उत्तराखंड के थीम बेस्ड टूरिज्म सर्किट की भी तारीफ की। और मैं तो चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को मेक इन इंडिया जैसे है ना, वैसे ही एक मूवमेंट चलना चाहिए, वेड इन इंडिया, शादी हिंदुस्तान में करो, ये दुनिया के देशों में शादी कर ले, ये हमारे सारे धन्ना सेठ आजकल फैशन हो गई है। यहां कई लोग बैठे होंगे, अब नीचा देखते होंगे, और मैं तो चाहूंगा आप कुछ इन्वेस्टमेंट कर पाओ न कर पाओ छोड़ो, हो सकता है सब लोग ना करें, कम से कम आने वाले 5 साल में आपके परिवार की एक डेस्टिनेशन शादी उत्तराखंड में करिए। अगर एक साल में 5,000 भी शादियां यहां होने लग जाए ना, नया इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो जाएगा दुनिया के लिए, ये बहुत बड़ा वेडिंग डेस्टिनेशन बन जाएगा।